अस्तु, बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति है कि संगीत किसे कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। केवल गायन को, केवल वादन को संगीत नहीं, अपितु गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। और इन सभी का सांगोपांग विवरण हमें नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। वैसे तो नृत्य, गीत, वाद्य आदि की उत्पत्ति वैदिक काल से है, परंतु एक संपूर्ण प्रामाणिक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में हमें इसका विस्तृत ज्ञान आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्रम ग्रंथ में प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति भी त्रेता युग के प्रारंभ में बताई गई है और सर्वप्रथम इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। तदुपरांत उन्होंने आचार्य भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का प्रयोग करने की आज्ञा दी और इस नाट्य शास्त्र के रचना में गीत सामवेद से लिया गया, जैसा कि जैमिनीय सूत्र है, गीतीषु सामाख्या, तो गीत स्वरादि सामवेद से ग्रहण किए गए। नृत्य, अभिनय, वाद्य आदि सब ऋग्वेद से ग्रहण किए गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो अपनी भारतीय संस्कृति है, यह जो अपनी भारतीय परंपरा है, कला है, यह कितनी प्राचीन है, यह कितनी शास्त्रीय है, वैदिक है, प्रामाणिक है। इस बात का हम बड़े सौकर्य से, पूर्ण रूप से हम गर्व कर सकते हैं कि हमारी भारतीय कलाएं, गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य आदि वैदिक काल से हैं, इतने प्रामाणिक हैं, इतने प्राचीन हैं। ये बड़े ही गर्व का विषय है। ऐसा कहते हैं नाट्य के लिए कि न तज ज्ञानम न तत् शिल्पम नसा विद्या नसा कला नासौ योगो न तत् कर्म नाट्य अस्मिन् यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है। शिल्प अर्थात रचना कौशल, जो आप हस्त से रचनाएं करते हैं उसे कहते हैं शिल्प। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, न ऐसी कोई विद्या है और न ऐसी कोई कला है, न ऐसा कोई योग है और न ऐसा कोई कर्म है जो इस रंग मंडप पर किए जाने वाले नाट्य में प्रदर्शित न होता हो। अर्थात इस नाट्य में इन सभी विधाओं का, सभी ज्ञान का, सभी विद्याओं का, सभी कलाओं का समावेश है, ऐसा है यह नाट्य। यदि इसी वाक्य को हम भगवत परिपेक्ष में देखें, इसकी हम एतन्मार्गीय समीक्षा करें, तो श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंध में दक्ष यज्ञ के प्रसंग में जब भगवान पधारते हैं, तब रुद्र, अग्नि, देवता, लोकपाल, सिद्ध, चारण, भृगु, मैत्रेय, गंधर्वादि सब भगवान की स्तुति करते हैं और वे कहते हैं कि क्रीड़ा भांडम विश्वमिदम् यस्य विभूमन तस्मै नित्यमनाथ नमस्ते करवाम। अर्थात यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण जगत जिनका क्रीड़ा भांड है, जिनका नाट्य मंडप है, जिनका रंगमंच है, ऐसे प्रभु को हम सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं। वेद की श्रुति है, स एकाकी नरमते तस्मात् द्वितीयम् ऐच्छत्। ब्रह्म को रमणेच्छा हुई, तदर्थ आपने इस सृष्टि को प्रकट किया। अब इस सृष्टि के भी विविध प्रकार हैं, परंतु विस्तर भियात्र न प्रपंचिष्यते। इसको यदि हम संकुचित वृत्तिया देखें तो पुष्टि कायेन निश्चयः कि आपकी जो श्रियंग संबंधी सृष्टि है, भगवान की जो काया से, श्रियंग से उत्पन्न हुई सृष्टि है,
जो आपकी निज दैवी सृष्टि पुष्टि सृष्टि है उसके संग तो आप स्वयं खेल कर रहे हैं। यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण विश्व प्रभु का अपना रंग मंडप है, अपना रंग मंच है जिसके हम सब पात्र हैं। और इस विशाल रंग मंडप पर हम अपना अपना पात्र इस प्रकार से निभा रहे हैं जिससे हमारे दिग्दर्शक, हमारे प्रभु को सुख हो, संतोष हो। वेद की श्रुति कहती है रसो वै सह, ब्रह्म ही रस है। निश्चित रूप से यदि रस कुछ है, कहीं है, तो वो ब्रह्म में ही है। वास्तव में तो पुष्टिमार्गीय सांख का स्वरूप भी यही है। जो पंच पर्वा विद्या है, जैसे अविद्या के पांच पर्व हैं, उसी प्रकार से विद्या के भी पांच पर्व हैं। और उसमें जो सांख्य विद्या है उसका अर्थ योजनाकार ने यही बताया है कि रसात्मकत्वेन पुरुषोत्तम ज्ञानम सांख्यम, कि प्रभु को, प्रभु के रस स्वरूप को जानना, आप रसात्मक हैं यह ज्ञान होना, वही पुष्टिमार्गीय सांख्य है। अन्य देतत, तो वो रस स्वरूप ब्रह्म क्या करते हैं? तो कहते हैं कृष्णस्तु केवलम लीलाम करोति रस रूपिणीम। रस रूप ब्रह्म केवल रस रूपिणी लीला करते हैं। अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा लीला, जो बिना किसी श्रम के अति आनंद से की जाए, ऐसी चेष्टा को लीला कहते हैं। तो भगवान की लीला ऐसी है जो भगवान अति आनंद से करते हैं। रस स्वरूप ब्रह्म, रस रूपणी उनकी लीला।